धर्मास्थ से चैलेंज देना चाहता हूँ। थोड़ी बहुत भी इज्जत, थोड़ी बहुत भी मान सम्मान, थोड़ी बहुत भी अगर आपके अंदर समाज को लेकर के चिंता है, हम दावत देना चाहते हैं। मैं भी यहाँ बैठूंगा और आप भी आकर के खिलाड़ियों के समर्थन में बैठ करके दिखाओ। लोग बात कर रहे हैं, लोग आज खिला जिस समय इन्होंने तिरंगा दा करके दुनिया में फहराया, आज खिलाड़ियों की जात पूछ रहे हैं। हाँ, खिलाड़ियों की जात है, लेकिन ये तिरंगा उनसे सबसे बड़ा है। एक बेटे और बेटी को खिलाड़ी के रूप में तैयार करने में गांव के अंदर एक एक परिवार को अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है, मां अपना पेट काट करके बच्चे को, अपने बेटियों को खिलाड़ी बनाने के लिए सब कुछ लगाती है। बाप अपना सारा अरमान, सारा हौसला, सारे सपने को कुचल देता है एक खिलाड़ी पैदा करने में। और आज आप कह रहे हो कि खिलाड़ियों की जात क्या है? खिलाड़ियों की एक ही जात है, ये हिंदुस्तानी है, भारत के बेटे बेटियां हैं, जो भारत के लोगों की जाति है। भारत के लोगों की जो जाति है वही खिलाड़ियों की भी जाति है। खिलाड़ी ब्राह्मण भी है, खिलाड़ी क्षत्रिय भी है, खिलाड़ी जाट भी है, खिलाड़ी गुज्जर भी है, खिलाड़ी वाल्मीकि भी है। 36 बिरादरी के लोग इस देश के अंदर, इस खिलाड़ियों के अंदर जब देश से बाहर तिरंगा लेकर के जाते हैं तो इस तिरंगे में सारी जातियों की दुआएं और सारी जातियों का आशीर्वाद होता है। खिलाड़ियों की एक ही जाति है, इस देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाना, साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज दिल्ली का पूरा गांव के प्रतिनिधि यहां इकट्ठा हुए, 360 गांव के प्रतिनिधि यहां पर इकट्ठा हुए, आज प्रतिनिधि यहां समर्थन देने आए। नरेला से लेकर के बवाना, मुंडका, नजफगढ़, पटियाला, छतरपुर, ब्रिजवासन से लेकर के दिल्ली के तमाम गांव के, अलग अलग शहरों में जो गांव है उन गांव के प्रतिनिधि यहां पर आए। आज हम एक ही बात कहने के लिए आए हैं, अगर सरकार ये सोचती है, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि ये खिलाड़ियों को हम ऐसे ही सड़क पर छोड़ देंगे और एक दिन ये जंतर मंतर छोड़कर चले जाएंगे मजबूर होकर के, मजबूर आपको होना पड़ेगा। आप यही सोचते थे किसान आंदोलन के लिए कि किसान मजबूर होकर के चले जाएंगे, लेकिन किसान मजबूर होकर के नहीं गए। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर 10 दिनों से लगातार देश की आन बान शान, जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर भारत के मान सम्मान को आगे बढ़ाया, दुनिया में अलग अलग ओलंपिक्स में जाकर के भारत का तिरंगा फहराया, आज उन हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, खिलाड़ियों को, पहलवानों को 10 दिन से गर्मी में, बरसात में इस जंतर मंतर पर आंदोलन करना पड़ रहा है, धरना पर बैठे हुए। और देश के माननीय प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं है कि इनसे बुला करके बात कर सके। कल हमने ट्विटर पर देखा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा जी ने ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी के नेता इस आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। मैं आज धरना स्थल से चैलेंज देना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत भी इज्जत, थोड़ी बहुत भी मान सम्मान, थोड़ी बहुत भी अगर आपके अंदर समाज को लेकर के चिंता है, हम दावत देना चाहते हैं। मैं भी यहाँ बैठूंगा और आप भी आकर के खिलाड़ियों के समर्थन में बैठ करके दिखाओ। लोग बात कर रहे हैं, लोग आज खिला जिस समय इन्होंने तिरंगा दा करके दुनिया में फहराया, आज खिलाड़ियों की जात पूछ रहे हैं। हाँ, खिलाड़ियों की जात है, लेकिन ये तिरंगा उनसे सबसे बड़ा है। एक बेटे और बेटी को खिलाड़ी के रूप में तैयार करने में गांव के अंदर एक एक परिवार को अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है।
माँ अपना पेट काट करके बच्चे को अपने बेटियों को खिलाड़ी बनाने के लिए सब कुछ लगाती है। बाप अपना सारा अरमान, सारा हौसला, सारे सपने को कुचल देता है एक खिलाड़ी पैदा करने में। और आज आप कह रहे हो कि खिलाड़ियों की जात क्या है? खिलाड़ियों की एक ही जात है, ये हिंदुस्तानी है, भारत के बेटे बेटियां हैं, जो भारत के लोगों की जाति है। भारत के लोगों की जो जाति है वही खिलाड़ियों की भी जाति है। खिलाड़ी ब्राह्मण भी है, खिलाड़ी क्षत्रिय भी है, खिलाड़ी जाट भी है, खिलाड़ी गुज्जर भी है, खिलाड़ी वाल्मीकि भी है। 36 बिरादरी के लोग इस देश के अंदर, इस खिलाड़ियों के अंदर जब देश से बाहर तिरंगा लेकर के जाते हैं तो इस तिरंगे में सारी जातियों की दुआएं और सारी जातियों का आशीर्वाद होता है। खिलाड़ियों की एक ही जाति है, इस देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाना। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज दिल्ली का पूरा गांव के प्रतिनिधि यहाँ इकट्ठा हुए, 360 गांव के प्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हुए, आज प्रतिनिधि यहाँ समर्थन देने आए। नरेला से लेकर के बवाना, मुंडका, नजफगढ़, पटियाला, छतरपुर, ब्रिजवासन से लेकर के दिल्ली के तमाम गांव के, अलग अलग शहरों में जो गांव है उन गांवों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए। आज हम एक ही बात कहने के लिए आए हैं, अगर सरकार ये सोचती है, भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि ये खिलाड़ियों को हम ऐसे ही सड़क पर छोड़ देंगे और एक दिन ये जंतर मंतर छोड़कर चले जाएंगे मजबूर होकर के, मजबूर आपको होना पड़ेगा। आप यही सोचते थे किसान आंदोलन के लिए कि किसान मजबूर होकर के चले जाएंगे, लेकिन किसान मजबूर होकर के नहीं गए, आपको कानून वापस लेना पड़ा था। जितना ही आप गांजा करोगे खिलाड़ियों का, उतना ही देश से यहाँ जमावड़ा लगेगा इन खिलाड़ियों के समर्थन में। अगर आप इनका हिम्मत तोड़ना चाहते हो तो पूरे दिल्ली के गांव इनके हिम्मत को जोड़ना चाहते हैं। आज हम सारे गांव के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए उनके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। हमारी बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं जो लड़ रही हैं, हम सारे दिल्ली के लोगों के जितने गांव है 360 गांव, मेरा आपके सामने एक प्रस्ताव है कि आज के बाद दिल्ली के सभी गांव में पंचायतें लगाई जाए और उन पंचायतों में सभी बिरादरी के लोगों को बुलाया जाए और उस पंचायत में इनके समर्थन के लिए चर्चा किया जाए कि क्या खिलाड़ी अगर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या न्याय का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या इंसाफ का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो प्रस्ताव है कि सभी गांव में आज के बाद पंचायत की जाए, कितने लोग समर्थन में हो जाए बता दे। दूसरा मेरा प्रस्ताव है, क्योंकि इतने दिनों से बैठे हैं, आज 3 तारीख है, 4, 5, 6 दिन में हमारे अलग अलग विधानसभा के यहाँ विधायक भी हैं, 336 गांव के प्रधान यहाँ बैठे हुए, हमारे तमाम पार्षद हैं, हर गांव से यहाँ प्रतिनिधि, हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, नौजवान आए हुए हैं, महिलाएं, माताएं, बहने आई हुई हैं, सभी समाज के प्रतिनिधि आए हुए हैं। मेरा आप सबसे गुजारिश है कि अगले 4, 5, 6, 3 दिन हम अलग अलग गांव में पंचायत करेंगे गांव के, और 7 तारीख को रविवार को इसी जंतर मंतर पे 360 गांव की महापंचायत बुलाई जाएगी। तो मेरा आपके सामने 2 प्रस्ताव है, एक खिलाड़ियों के समर्थन में कल से गांव की पंचायत शुरू की जाए, हर गांव में और गांव के अंदर सभी बिरादरी के लोगों को बुलाया जाए और इस बात पर चर्चा किया जाए कि क्या हमारे जो बेटे बेटियां जंतर मंतर पे बैठे हैं, क्या आप उनके समर्थन में हैं या नहीं है, और अगर है तो 7 तारीख को 11 बजे सभी गांव के आज प्रतिनिधि आए हैं, 7 तारीख को इसी जंतर मंतर पे दिल्ली के सभी गांवों की महापंचायत बुलाई जाए, जहां जहां गांव में आप पंचायत करोगे अगर समर्थन में है तो सभी लोग 7 तारीख को गांव की महापंचायत में जंतर मंतर हम पहुंचेंगे। सरकार हमारे खिलाड़ियों की मांग को
जिम्मेदारी के साथ विचार करके कार्रवाई करे। अगर कार्रवाई नहीं करती है तो 7 तारीख की महापंचायत में इन खिलाड़ियों के साथ चर्चा करके गांव के सभी 360 गांव के लोग जो महापंचायत में आएंगे उनसे विचार करके रविवार को 7 तारीख को उस महापंचायत से आंदोलन की अगली रणनीति और अगला आंदोलन का चरण घोषित किया जाएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, आज हम सब इन खिलाड़ियों के साथ खड़े हुए और मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जो दौड़ दौड़ के हर बात पर जंतर मंतर आते थे, मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली के सांसद कहाँ सो रहे हैं, जंतर मंतर क्यों नहीं आते? दिल्ली के भाजपा के विधायक जंतर मंतर क्यों नहीं आते? दिल्ली के पार्षद भाजपा के जंतर मंतर क्यों नहीं आते? दिल्ली भाजपा के देश के सभी नेता जंतर मंतर क्यों नहीं आते? ये लड़ाई खिलाड़ी देश के लिए लड़ रहे हैं, देश की बेटियों के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। मैं दावत देना चाहता हूँ अगर आज नहीं आए हो कोई बात नहीं, प्रवेश वर्मा जी 7 तारीख को महापंचायत में आप भी आना और हम मिलकर चर्चा करेंगे। देहात के लोग मिलकर चर्चा करेंगे, गांव के लोग मिलकर फैसला करेंगे। खिलाड़ियों का साथ देना है या नहीं देना है, इनके सिलाई को देना है या नहीं देना है। महापंचायत किसी एक पार्टी की नहीं होगी। जो भी इन खिलाड़ियों को समर्थन देना चाहता है उस महापंचायत में सबका स्वागत है। उसकी पार्टी चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी खिलाड़ी हो, जो भी इस खिलाड़ियों की लड़ाई में साथ देना चाहता है 7 तारीख को सबको खुला आमंत्रण है। ये आंदोलन देश का है और जो देश से मोहब्बत करते हैं उन्हें इस तिरंगे की आन बान शान के लिए जंतर मंतर पे खड़ा होना पड़ेगा और उसमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, गांव के जितने प्रतिनिधि आए सभी लोग मुठिया बांधिए और एक बार पूरी ताकत से नारा लगा करके हम इन खिलाड़ियों का समर्थन करते हैं। मैं बोलूंगा खिलाड़ियों के हम साथ हैं, आपको बोलना है साथ है साथ है, खिलाड़ियों के हम साथ हैं, खिलाड़ियों के हम साथ हैं, खिलाड़ियों के हम साथ हैं। मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे, लड़ेंगे। आवाज कम आ रही है, जीतने वाली आवाज नहीं आ रही, पर हम लड़ेंगे, तालियां बजाते हुए लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की। जो खिलाड़ी यहाँ पर आंदोलन बैठे हैं उन सबको बहुत बहुत इस पूरे प्रतिनिधियों की तरफ से सम्मान है और हम इस बात को कहना चाहते हैं आपके इस लड़ाई को दिल्ली के गांव गांव से जो प्रतिनिधि आए हैं वो गांव गांव पहुंचाएंगे और 7 तारीख को फिर पूरा दिल्ली का दिखा जंतर मंतर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गोपाल राय जी देखिए भाई एक मिनट रुको रे, जो आपने सुझाव रखा है वो अच्छा है और पूरी तरीके से आप इन बच्चों के साथ है, लेकिन हमारे यहाँ हमारा एक सामाजिक पंचायती सिस्टम है खाप पंचायत का। हम अपने 12 गांव की पंचायत बुलाएंगे